नपुंसकता पर हमने दो वीडियो पहले बनाए थे, जिनमें एक में हमने नपुंसकता के बारे में विस्तार से बताया था और दूसरे वीडियो में हमने इसकी जांच के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम इसके इलाज से संबंधित एक एक्सरसाइज और मसाज के बारे में बताएंगे, जो कि काफी कारगर है। इनसे पेल्विक फ्लोर की मसल्स मजबूत होती है और लिंग में खून का दौरा काफी हद तक सही हो जाता है। लेकिन जैसा कि हम हेल्थ मंत्रा में बताते आए हैं, सेहत से संबंधित किसी भी समस्या के लिए सबसे पहले आपको एक अच्छे से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोस्टेटिक मालिश की। ये काफी आसान है। इसमें ग्रोइन यानी पेट और जांघ के बीच वाले हिस्से और आसपास के ऊतकों की मालिश की जाती है। इस मालिश को नियमित रूप से करने से पेल्विक फ्लोर की मसल्स एक्टिव हो जाती हैं और लिंग में खून का दौरा बढ़ जाता है। पेल्विक फ्लोर मांसपेशियों की एक्सरसाइज। इसमें कई तरह की एरोबिक एक्टिविटीज की जाती हैं, जिसमें आप रोजाना 2-3 एक्टिविटीज कर सकते हैं। इन एक्सरसाइज को नियमित तौर पर करने पर नपुंसकता में सुधार लाया जा सकता है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज और है जो विदेशों में भी काफी प्रचलित है, इसे कीगल कहते हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले तो आपको अपने पेल्विक फ्लोर की मसल्स को पहचानना होगा। इसका एक आसान तरीका यह है कि पेशाब करने के दौरान जब हम अचानक पेशाब को रोकते हैं, तो जिन मसल्स का उपयोग पेशाब रोकने के लिए किया जाता है, उन्हें ही पेल्विक फ्लोर की मसल्स कहते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, यहाँ हम आपको पेशाब रोकने के लिए नहीं कह रहे हैं। पेशाब रोकने का मकसद केवल पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को पहचानने के लिए है। इन मांसपेशियों की पहचान करने के बाद इन्हें सिकोड़ें और ढीला छोड़ें। इन मांसपेशियों को सिकोड़ने के दौरान अंडकोश भी ऊपर की तरफ उठते हैं। जब आप इन मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं, तो 3 सेकंड तक सिकोड़ कर रखें। उसके बाद इन्हें 3 सेकंड तक रिलैक्स कर दें। फिर 3 सेकंड के लिए सिकोड़ें और 3 सेकंड तक रिलैक्स कर दें। यह क्रिया 10 से 20 बार तक करें। ये एक्सरसाइज आप सुबह, दोपहर, शाम को कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को सुबह शाम सीधा लेटकर करें, या दोपहर में अगर आप ऑफिस वगैरह में हैं, तो आप अपनी कुर्सी पर भी बैठकर इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। लेकिन इस एक्सरसाइज को करते समय सांस बिल्कुल भी ना रोकें। मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए, रिलैक्स करते हुए सांस लेते रहें। सांस रोकना एक ऐसी गलती है जिसे अक्सर लोग करते हैं। एक्सरसाइज करते रहें और सांस लेते रहें। हमारे जो दर्शक गांव देहात में रहते हैं, उन्होंने अक्सर भैंस आदि को गोवर करने के बाद उनकी पेल्विक मसल्स को 5-7 बार सिकोड़ते देखा होगा। इसे ही कीगल एक्सरसाइज कहते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स मजबूत होगी, आपको अपने अंदर काफी बदलाव महसूस होगा। इंटरकोर्स करते समय जो लोग जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, उन्हें इस एक्सरसाइज का विशेष लाभ मिलेगा। विशेषकर नपुंसकता की स्थिति से उभरने में काफी मदद मिलेगी। हेल्थ मंत्रा के अगले वीडियो में हम फिर किसी स्वास्थ्य समस्या पर बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए हेल्थ मंत्रा, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।